फरीदपुर में नव निर्मित तहसील भवन में प्रातः 11 बजे जिलाधिकारी बरेली नीतीश कुमार पहुंचे, जहां पुरोहित से पटलाल के द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना में मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद, DIG बरेली राजेश कुमार पांडेय, SSP रोहित सिंह सजवान, मुख्य विकारी अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग, मुख्य चिकित्साधिकारी विनीत कुमार शुक्ला, SDM फरीदपुर विशुराजा, तहसीलदार आनंद तिवारी, CO फरीदपुर आलोक कुमार अग्रहरी समेत जिले के तमाम अधिकारीगणों ने भाग लिया। तत्पश्चात भाजपा विधायक प्रोफेसर दाश्याम बिहारी लाल व जिलाधिकारी नीतीश कुमार द्वारा तहसील भवन का लोकार्पण किया गया, जहां नगर क्षेत्र के तमाम गणमान्य मौजूद रहे। इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त भवन में ही माह के तीसरे मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे प्रार्थियों की शिकायतों को सुनने के साथ प्रार्थना पत्रों को खुद DM ने अमल में लेते हुए अधीनस्थों को शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए। कुछ प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। समाधान दिवस में कुल 123 शिकायतें प्राप्त हुई, जो 55 पुलिस, 22 विकास, 10 शिक्षा, 2 अन्य विभाग को निस्तारण हेतु सौंपी गई, 34 निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को सौंपी गई। मंडलायुक्त ने मौजूद कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पीड़ितों की हर समस्या को प्राथमिकता के साथ निपटाएं, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी प्रकार DIG ने भी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि जनता के साथ सम्मानपूर्वक बर्ताव करें और पीड़ितों की समस्याओं को प्राथमिकता दें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।